हेलो स्टूडेंट्स, इकरा हाई स्कूल ऑनलाइन टीचिंग मेथड स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर सेकंड माय ट्रीज हैव नो लीव्स। डियर स्टूडेंट्स, सो द व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस सेकंड चैप्टर? माय ट्रीज हैव नो लीव्स, मेरे झाड़ों के कोई पत्ते नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं न्यू वर्ड्स, जो नए शब्द यहाँ आपको दिया है, वर्ड्स दिया है इंग्लिश के, वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग यू हैव टू नो, बैल्कनी, स्ट्रॉन्ग, ब्लोइंग, ऑटम, स्प्रिंग, मानसून, विंटर, समर, स्विचेस, ग्लूस, रेक, स्क्रैच, हीप, प्लेजेंट, मैन्योर। ये वर्ड्स You have to learn all these things regularly. You must know the word meaning, update your vocabulary word meaning so that you'll able to speak very good English. Got it, students? So, I will read this chapter and explain you. Pretty Sia is standing in the garden. Pretty Sia is standing in the garden. Suddenly a strong wind starts blowing. A lot of dry leaves fly here and there. She looks at her garden. There are very few leaves left on the trees. तो ये सिया जो थी गार्डन में एक गार्डन में खड़े की थी। तो सडनली अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड, ओके, एक तेज हवा स्टार्स ब्लोइंग बहने लगी। A lot of dry leaves, जो सूखे पत्ते होते हैं ना, dry leaves, fly here and there, यहाँ उधर उड़ रहे थे। She looks at her garden, वो अपने garden की ओर देखी। There are very few leaves left on the trees, जब वो देखी बहुत कम पत्ते थे झाड़ पे, बहुत घने नहीं थे, बहुत कम पत्ते बच गए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, या आपकी नोटबुक पे देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में देखिए। मामा कम आउट, लुक, आवर लवली ट्रीज हैव नो लीव्स। तो वह एक्सप्रेशन से कहने लगी, मामा, मम्मी, बाहर आओ, कम आउट, लुक, देखो, आवर लवली ट्रीज हैव नो लीव्स, हमारे बड़े सुंदर झाड़ के कोई पत्ते नहीं है। सो मम्मी ने उनको एक्सप्लेन किया सिया को, डियर ड्राई ऑटम हैज कम। क्या कहने लगी, एक ड्राई ऑटम आ चुका है। द ट्री द लीव्स फॉल डाउन एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, इस वक्त में झाड़ के पत्ते पतझड़ कह सकते, इसके लीव्स झड़ जाते। सो अब माँ ने एक्सप्लेन किया सिया को, डोंट वरी, चिंता मत करो, घबराओ मत, योर ट्रीज विल सून बी ग्रीन इन प्लेजेंट स्प्रिंग। योर ट्रीज, आपके झाड़ विल सून बी ग्रीन, फिर से हरे भरे हो जाएंगे, इन प्लेजेंट हो जाएंगे स्प्रिंग सीजन में, प्लेजेंट स्प्रिंग हो जाएंगे सीजन में। गुड। सो अब सिया को डाउट है, पूछने लगी, व्हाई डिज दिस हैपन मॉम, ऐसा क्यों होता है मॉम, व्हाई डज दिस हैपन मॉम, ऐसा क्यों होता है मम्मी। तो इनके मम्मी ने सिया को समझाने लगे, इट हैपन्स बिकॉज सीजन्स कीप चेंजिंग थ्रू आउट द ईयर। बेटा इसीलिए ऐसा होता है, मौसम बदलते रहते हैं। आज देखिए हमारे इंडिया में है ना, सीजन्स होते हैं, समर सीजन हमने कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम राइट नाउ वी आर इन द यू नो मानसून सीजन ऑलरेडी स्टार्टेड अप्रोचिंग थ्रू आउट द इंडिया, ओके, इट इज ड्रिपिंग समवेयर, इट इज़ हैवी रेन्स, ओके, वी आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग इन दिस सीजन मानसून, ओके, फिर नेक्स्ट अगेन द विंटर सीजन विल कम, सो इट इज़ ए प्रोसेस। So what explain mother, it happens because seasons keep changing throughout the year. So Sia kya kehne lagi, yes I know the names of the seasons, ha mummy main janti hu mausams ke naam, seasons ke naam, they are summer, winter, monsoon, spring and autumn. Explain karne liye, because she studied in the school, that's why, wo school mein pad chuki thi na to se yaad hai। वो कहने लगी, हाँ माँ मैं जानती हूँ सीजन्स के नाम, वो क्या है, समर, विंटर, मानसून, स्प्रिंग एंड ऑटम। माँ ने शाबाशी दिया, वेरी गुड, यू नो देम वेल, बहुत अच्छा आप जानते हो, गुड। मदर कॉल्स यस ब्रदर,
मदर ने सिया के भाई को बुलाया है, सैंडी नाम था उसका, टू हेल्प इन क्लीनिंग द गार्डन, तो उनके गार्डन को सफाई करने के लिए। ही इज वॉचिंग कार्टून मूवीज इन हिज रूम, वो अपने रूम में जनरली युवा वॉचिंग, एवरी चाइल्ड नाउअडेज वॉचिंग कार्टून मूवीज को देख रहे थे। ही स्विचेस ऑफ द टीवी एज सून एज ही हियर्स मामास कॉल, जैसे उन्होंने कि माँ की आवाज़ सुनी उन्होंने फौरन तुरंत स्विचेस ऑफ किया टेलीविजन सेट का, और ही हियर्स मामास कॉल, तो कहने लगा मॉम डिड यू कॉल मी, मम्मी क्या मुझे बुलाए, तो हाँ यस सन, हाँ बेटा मैं बुलाया आपको, लेट्स अस क्लीन द गार्डन, चलो बेटा हम गार्डन साफ करते, देर आर लीव्स ऑल अराउंड, हर जगह सूखे पत्ते बिखरे हुए, हम गार्डन साफ करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आप देखो पेज नंबर 18, टर्न द पेज इन वेयर टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप देखो मदर ब्रिंग्स रबर ग्लव्स फॉर ऑल टू वेयर बिफोर क्लीनिंग, तो माँ ने क्या लाया है, रबर ग्लव्स लाया जो हाथ में पहनने के लिए, ग्लव्स लाया क्योंकि सफाई करने से पहले। सैंडी पिकअप द लॉन्ग रेक, उन्होंने लॉन्ग रेक लिया, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हो ना यहाँ पे लॉन्ग रेक, ओके आप यहाँ पे देख रहे हो लॉन्ग रेक, वो जैसा हम साफ करने का एक टूल है गार्डन के, बहुत सारे टूल्स होते हैं ना। सो सैंडी पिक्स अप द लॉन्ग रेक, सिया रन्स इनसाइड द स्टोर रूम टू फेच अ बिग बास्केट, रिया रूम दौड़ पड़ी अंदर स्टोर रूम में उनके, और ले आइए बिग बास्केट लाइए, दे ऑल स्टार्ट रेकिंग द लीव्स, सारे पत्ते वो लोग ने बिखरने में स्टार्ट लग गए, रस्टल 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 साउंड आती है ना इस तरह का, सारे पत्ते की आवाज़ आने लगी। नेक्स्ट द रेक द लीव्स इन द मेक ए हीप ऑफ देम, एकदम उसका पूरा इकट्ठा कर दिया पत्तों का, सैंडी जंप्स ऑन द हीप ऑफ लीव्स, सैंडी ने खुशी के मारे पत्तों पे कूद पड़ा, हंस रहा है, क्रंच 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 आवाज़ आने लगी, द लीव्स क्रश विद ए प्लेजेंट साउंड, बड़े सुंदर आवाज़ से पत्तों को, पत्तों में डूब रहा है कूद रहा है ना, जैसा बारिश होती है बच्चे के साथ कूदते रहते बारिश के अंदर में है ना, तो इस तरह से पत्तों में कूद के एंजॉय कर रहा था, कड़क कड़क पत्तों की आवाज़ आ रही थी। क्लीनिंग बिकम फन फॉर द चिल्ड्रन, और सफाई करना बच्चों को एक मनोरंजन जैसा लग रहा था, दे पिकअप द लीव्स एंड पुट देम इन द बास्केट, सारे पत्तों को बिखरा और वो बास्केट में डाल दिया। तो नेक्स्ट पेज में देखिए, टर्न द पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक, सो मदर थ्रोस ऑल द लीव्स इन द पिट, सारा एक पिट के अंदर गड्ढे में डाल दिया। अब ये पूछते हैं सैंडी, मॉम पीपल बर्न द लीव्स वोंट बी बर्न देम, अब वो उसको डाउट आया मन में, माँ सारे लोग पत्ते तो जला देते हैं, हम ऐसा ना करें, नो वी मस्ट नॉट बर्न दिस लीव्स, हमें ये पत्ते नहीं जलाना चाहिए, बर्निंग लीव्स प्रोड्यूस स्मोक, द स्मोक पोल्यूट द एयर, तो माँ ने इन्हें एक मतलब मोरल सिखाया, बहुत अच्छी बात, ऐसे नहीं करना चाहिए, इससे धुआं होता है, इससे पर्यावरण हवा गंदी होती है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए बच्चों, उनकी माँ ने इन तरह से समझाया। The leaves in this pit will turn into manure. One day we can use this manure in the soil to help our plants to grow better. एक संदेश दिया, क्या दिया, the leaves in this pit, ये जो पिट में हम ये खड्डे में जो डाल रहे हैं पिट में, ये एक दिन ये मैन्योर बन जाएगा, वन डे एक दिन वी कैन यूज दिस मैन्योर इन द सॉइल टू हेल्प अवर प्लांट्स टू ग्रो बेटर, अब फिर सॉइल्स के जो साइल होती है मिट्टी होती है जमीन होती है उसमें हम डाल सकते हैं तो प्लांट्स को एक अच्छी ताकत मिलती है, मैन्योर ये इस तरह का एक प्रोसेस है इसको हम कह सकते हैं, ठीक है बायोगैस प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो ये उन्होंने उनकी माँ ने बेहतर चिल्ड्रन को समझाया, द चिल्ड्रन वंडर हाउ द लीव्स वुड लुक ए मैन्यूर, अब उनको और एक क्यूरियस होने लगे, बेचैन होने लगे, ये सारे जो पत्ते किस तरह से मैन्यूर हो गए हम देखेंगे, ऐसा वो विचारने लगे, ठीक है। सो ये है चैप्टर आपका, माई ट्रीज हैव नो लीव्स, सो माई एडवाइस इज यूज टू अगेन एंड अगेन रीड दिस, इफ यू नो इफ यू डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन लर्न बैक, ask your teachers, come to school, if any you have doubts and clarify with your particular class subject teachers and try to read daily, so can one day you become a fluent English speaker, good pronunciation learn, new words learn daily, at least you inculcate a habit, so I will by heart daily 10 words, 10 new words in the chapter and out of chapter. I will read many stories in English, understand, I read poems, so then only you will be able to speak good English. You learn new words, so in this chapter just I told you, try to
Get these words, the meaning of balcony, strong, blowing, autumn, spring, monsoon, winter, summer, switches, glues, rake, scratch, heap, pleasant, manure. So many new words you try to learn. Ask your parents. Thank you. Good luck.